नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कल के डेट में, दैट इज ऑन 8 जनवरी 2020 को सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके थ्रू जो हमारे इंडिया में कोल की माइनिंग की जाती है इसको लिबरलाइज किया जाएगा। जब मैं आपसे लिबरलाइज की बात करता हूँ इसका मतलब है कि अभी तक अगर आप देखिए तो कोल की माइनिंग जो है वो ज़्यादातर एक ही कंपनी के द्वारा की जाती थी जो कि एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया, राइट। तो यहाँ पर सरकार ने अब क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन कंपनीज हैं उसको माइनिंग के लिए जोड़ा जाए, ताकि जितना भी कोल हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं बजाय अपने देश में जितना रिजर्व है कोल का उसको यूटिलाइज करने के बजाय हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कराया जाता है कोल का, क्योंकि हमारे यहाँ पावर प्रोडक्शन की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन स्टील में प्रोडक्शन की ज़रूरत है कोल की। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगातार सरकार ने प्रयास कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को हम यहाँ पर जोड़ सकें ताकि ज़्यादा हमारे देश में कोल की प्रोडक्शन हो सके। तो इन सबको देखते हुए इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। तो जैसा कि सबसे पहले आप न्यूज़ में देख सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्स ऑर्डिनेंस टू रिमूव एंड यूजर रिस्ट्रिक्शंस बूस्ट FDI इन कोल माइनिंग। तो यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा है इसको जानने से पहले मैं आपसे कुछ आंकड़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पूरे विश्व में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा रिजर्व है, तो उसमें तो आपको सबसे पहला क्लैरिटी ये मिलेगा कि US के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है कोल का। उसके बाद से आप ये आंकड़े देख सकते हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक US की फर्म है, एजेंसी है, उसने भी बताया कि US के पास सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है, रशिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि इस समय इंडिया कितने नंबर पर स्टैंड करता है कोल रिजर्व में, तो ये होगा आपका 4th नंबर पर। कल भी जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मिनिस्टर ने यही बताया कि इंडिया के पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रिजर्व है। यहाँ पर भी जो विकिपीडिया से आप आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज़्यादा US, देन रशिया, देन चाइना और देन उसके बाद इंडिया आता है। यहाँ पर ये बोला गया कि करीब पूरे विश्व का 10% कोल रिजर्व इंडिया के पास है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिट्यूमिनस और उसके बाद आता है आपका लिग्नाइट। ये 3 अलग अलग प्रकार के कोल के क्वालिटी होते हैं और आप इसके भी अलग अलग आंकड़े यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी डेटा देखेंगे कि इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है, तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 3 राज्य तो पता होना चाहिए। दैट इज़ सबसे ज़्यादा रिजर्व आपको झारखंड में मिलेगा, देन उड़ीसा और देन छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर जब ये पूरा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था तो मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया कि हमारा देश 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व होने के बावजूद यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो लास्ट ईयर है, दैट इज़ इन 2019, हमने करीब 235 मिलियन टन्स ऑफ कोल को इम्पोर्ट कराया था। और ज़्यादातर आपको पता ही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ सर हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 235 मिलियन टन्स जो हमने इम्पोर्ट कराया है, इसमें से करीब 135 मिलियन टन्स हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे अपने डोमेस्टिक रिजर्व में से, मतलब अपने देश में खुद से माइनिंग करके यहाँ पर 135 मिलियन टन्स की पूर्ति की जा सकती थी। और जिसकी कीमत अगर आप देखिए तो आती है 1.7 लाख करोड़, मतलब इतना जो फॉरेन रिजर्व है हमारा बच सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी कोल इंडिया जो है पूरा प्रोडक्शन देखती है, जिसकी वजह से जितना कोल का प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इन सारे चीज़ों को देखते हुए सरकार पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ा जाए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2019 में, अगर आपको याद होगा, अगस्त के महीने में यहाँ पर सरकार ने कई सारे चेंजेस लाए थे FDI पॉलिसी को लेकर, और इस पर मैंने ये वाला वीडियो भी बनाया था, आप सर्च करेंगे तो आपको ये यूट्यूब में मिल जाएगा। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज लाया गया था FDI के अंदर वो था कोल माइनिंग को लेकर। यहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर 100% FDI, मतलब बाहर की विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर कोल माइनिंग कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड था
कैप्टिव कंजम्पशन को लेकर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज एक पावर कंपनी है, पावर प्रोड्यूस करती है, एक आयरन एंड स्टील कंपनी है, आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करती है, सीमेंट की कंपनी है, अगर उनको वो जो भी कोल माइनिंग कर रहे हैं, वो कोल माइनिंग से जो भी कोल प्रोडक्शन हो रहा है उसका यूज़ अपने ही इंडस्ट्री में कर सकते थे, मतलब उनकी जो कंपनी है खुद की उसी में ही कर सकते थे, बाकी थर्ड पार्टी को वो नहीं बेचा जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अगस्त में सरकार ने कहा कि हम ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाएंगे और यहाँ पर 100% पूरी जो ऑटोमेटिक रूट है वो लेकर आएंगे, और एक तरह से ये माना जा रहा था कि जो कोल इंडिया है इस समय, जिसकी मोनोपोली है कोल माइनिंग पर, वो अब धीरे धीरे जाने लगेगी। तो यहाँ पर सरकार ने अनाउंस तो कर दिया था FDI को लेकर, लेकिन अभी भी जो पूरा लेजिस्लेशन का पूरा ढांचा है वो तैयार नहीं हुआ था। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर एक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है 1957 का, इसके अंदर सेक्शन 11 है, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को कोल ऑक्शन के लिए तभी कर सकती है जब वो कंपनी या तो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन कर रही हो, या तो पावर प्रोडक्शन कर रही हो, या तो वो कोल वॉशिंग सेक्टर से इन्वॉल्व हो। इन्हीं तीनों कंपनी को यहाँ पर कोल की ऑक्शन की जा सकती थी, जो कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा कोल के प्रोडक्शन में, क्योंकि ज़्यादा कंपनियाँ नहीं आ पाती थी। और इसी को देखते हुए अब हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर कैबिनेट ने डिसीजन लिया है एक ऑर्डिनेंस पास करने का, जिसका नाम होगा मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। अब यहाँ पर अब देखिए क्या है कि ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस के थ्रू दो लॉज में चेंजेस लाए जाएंगे। वो दो लॉज कौन से हैं? एक लॉ है आपका कोल माइंस एक्ट 2015, एक तो इसमें चेंज लाया जाएगा। दूसरा है आपका माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, इसके अंदर चेंज लाया जाएगा। तो जो सबसे पहला वाला लॉ पे चेंज लाया जा रहा है, जिसकी अब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि कोल माइनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जोड़ना, तो ये एक तो ये समझ में आता है। दूसरा ये अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, फिर इसमें चेंज क्यों लाया जा रहा है? इसमें चेंज दोस्तों इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अलग अलग मिनरल्स की भी माइनिंग होती है, जैसे कि आयरन ओर हो गया। अब यहाँ पर वो मार्च में एक्सपायर होने वाला था, मतलब जिन जिन कंपनियों को लीज पे दिया गया था आयरन माइनिंग के लिए, वो मार्च में एक्सपायर होने वाला था, तो आगे चलकर भी इसमें ज़्यादा माइनिंग हो सके, ये एक्सपायर ना हो जाए, इसको देखते हुए यहाँ पर भी एक चेंज लाया जा रहा है, जिसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि कोल माइनिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो हमारे कोल माइनिंग पर इंपैक्ट आएगा वो ये है कि इट विल अलाउ कोल माइनिंग फॉर एनी कंपनी। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप स्टील एंड पावर में इन्वॉल्व हैं तभी आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर अब किसी भी कंपनी के लिए कोल माइनिंग को खोला जा रहा है, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर में हो, अगर वो इंटरेस्टेड है कोल माइनिंग में तो यहां पर उसको कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन के लिए परमिशन दी जाएगी। साथ में यहां पर जो कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया था, मैंने आपको क्या बताया था कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया का, इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना कंपनी है, जैसे कि कोई स्टील और पावर की कंपनी है, तो यहां पर वो अपने कंपनी में ही यूज कर सकते थे कोल माइनिंग का। अब यहां पर इसको हटा दिया गया है, अब उसको बेच भी सकेंगे वो थर्ड पार्टी को, अलग अलग जिस तरह से भी उनको काम करना है वो कर सकेंगे। अब होता क्या था कि ये जो एंड यूज क्राइटेरिया है, रिस्ट्रिक्शंस है, इसकी वजह से यहां पर जो भी कोल ब्लॉक का ऑक्शन किया जाता था सरकार के द्वारा, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से अगर आपको पता है कि कॉम्पिटिशन कम होगा तो सरकार को रेवेन्यू कम आएगा, और यहां पर जितने कोल ब्लॉक्स बेचे जा सकते हैं वो नहीं बेच पा रही थी। और इसी की वजह से आपको याद होगा दोस्तों, यहां पर काफी ज्यादा चर्चा चलती थी कोल स्कैम को लेकर। तो यहां पर आपको याद होना चाहिए 2014 के समय 2014 में यहां पर 204 कोल ब्लॉक के एलोकेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे देश में अचानक से जो कोल की प्रोडक्शन है उसकी कमी हो गई थी, और ऐसा भी देखा जा रहा था कि जो पावर कंपनियां हैं उनको अचानक से शॉर्टेज हो सकती है। उसके बाद से सरकार ने ऑक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन इस 204 कोल ब्लॉक में से सिर्फ आज के डेट तक आप देखिए तो 29 कोल ब्लॉक्स को ही ऑक्शन किया जा सका है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये जो प्रॉब्लम थी कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया की, तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। यहां पर एक और चीज ये देखा गया
पहले क्या था कि अगर किसी भी कंपनी को पार्टिसिपेट करना है कोल ऑक्शन में, तो यहाँ पर उसके पास कोई ना कोई कोल माइन की ऑपरेशन होनी चाहिए। अब इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, और जैसा कि मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी कंपनी है अगर वो कोल माइनिंग में इन्वॉल्व नहीं भी है अब इंडिया में, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू अब उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये सारी चर्चा दोस्तों हमने कर ली कि क्या क्या ऑर्डिनेंस का इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा। तो तीन मेन बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे पहला, इट विल क्रिएट एन एफिशिएंट एनर्जी मार्केट। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा यहां पर लोग आएंगे प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे रिसोर्स की, और जो एनर्जी का प्रोडक्शन है चाहे वो पावर का प्रोडक्शन हुआ, वो सारे जो मार्केट्स हैं उसमें भी ज्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो पावर प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी नीचे आ सकती है। क्योंकि यहां पर अगर कोल प्रोडक्शन की कॉस्ट नीचे आएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो पावर में स्टील में जितने भी कॉस्ट लगते हैं, ज्यादातर आपको पता है कोल की बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, तो उसमें कमी आएगी, तो ओवरऑल चीजों में भी कमी आएगी। दूसरा, यहां पर कंपटीशन, जितना ज्यादा किसी भी चीज में कंपटीशन बढ़ता है उसकी कॉस्ट कम होती है, तो एक तो कंपटीशन काफी ज्यादा होगा, दूसरा यहां पर जो हम इंपोर्ट कराते थे कोल को उसमें कमी आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये तीन मेन बेनिफिट हैं। और लास्ट में मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपको पता होगा कोल इंडिया लिमिटेड जो कि समय मोनोपोली है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1973 में जितने भी कोल माइनिंग कंपनीज थी उसको नेशनलाइज किया गया था। मतलब आपको पता होगा 1969 में जिस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वैसे ही 1973 में भी जितने भी कोल माइनिंग की कंपनीज है उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और यहाँ पर सरकार एक तरह से ओनर बन गई। और फाइनली 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड बनाया गया, और अभी तक अगर आप देखिए तो कोल इंडिया जो है यहाँ पर हमारे देश में माइनिंग में मोनोपोली है, और कोल इंडिया में जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो आई थिंक करीब 70% के आसपास है, आई एम नॉट श्योर, बट इतने के आसपास ही है। और क्योंकि अब यहाँ पर प्राइवेट का पार्टिसिपेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो कोल इंडिया है उसकी मोनोपोली है उसमें प्रॉब्लम आएगी। और इसी की वजह से आप देखिए कि जैसे ही ये न्यूज़ अनाउंस किया गया सरकार के द्वारा, यहाँ पर कोल इंडिया का जो शेयर है वो अचानक से 3% नीचे आ जाता है। ये अप डाउन चलता रहता है, लेकिन क्योंकि जस्ट मैं आपको यहाँ पर इम्पैक्ट इसका दिखा रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था कोल माइनिंग को लेकर कि सरकार क्या करने जा रही है, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली होगी। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप लगातार जाके MCQs खेल सकते हैं, क्विजेस डालता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।